तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने गेमिंग चैनल में, जिसका नाम है गेम बॉय। और आज हम एक बार दोबारा से खेलने जा रहे हैं रशियन कार ड्राइवर येजी हंटर गेम। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं बास्केटबॉल खेलने के लिए, और साथ में हम एलेक्सी के घर भी जाएंगे। उसने हमें बुलाया है, तो वहाँ पर जाने में थोड़ा टाइम है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम बास्केटबॉल खेल लेते हैं। बहुत टाइम हो गया यार, हम फिशिंग के लिए भी नहीं गए और ना ही हमने कोई ऐसी एक्टिविटी करी है। तो बास्केटबॉल खेलते हैं, उसके बाद चलेंगे हम एलेक्सी के घर। तो वैसे मैं पहुंच चुका हूँ, यहीं पर है बास्केटबॉल ग्राउंड। यहाँ पर एक सोसाइटी है, वो सोसाइटी में ही बना हुआ है। तो चलते हैं इसके अंदर। ओके, सोसाइटी बढ़िया है यार, यहाँ पे अपार्टमेंट भी बने हुए हैं। तो ये देखो डॉग भाई, जब भी हम आते हैं ना, डॉग हमसे भौंकने लगता है कि हमसे ना हड्डी मांगता भाई खाने के लिए। तो यार अपने पास तो अभी हड्डी है नहीं, तो भाई कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम लाएंगे तेरे लिए डॉगी, ठीक है ना। अभी तो थोड़ा मजेदार। अब चलते हैं सीधा बास्केटबॉल ग्राउंड में। तो ये क्या भाई, यहाँ पर आइसक्रीम है क्या? नहीं, ये यूजलेस है, किसी का ख़राब था, यहाँ पर पटक के चला गया वो। ये अंकल बैलकनी में खड़े हुए हैं, बास्केटबॉल ग्राउंड को देख रहे हैं। आज अंकल खेलेंगे, एक मैच लगाएंगे। तो गाइस, ये है बास्केटबॉल ग्राउंड, और स्टार्ट करते हैं हम अपना मैच। हमें इस बास्केट में बॉल को डालना है और उससे अपने को पॉइंट मिलेंगे। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। भाई ये डॉगी भी अपने साथ खेलेगा क्या? चलो देखते हैं। और राइट गाइस, तो अपना मैच स्टार्ट हो चुका है। मैं इस बॉल को उठाता हूँ, और अभी अबे यार ये तो छूट गई अपने हाथ से। चलो मुझे दोबारा उठा कर लानी है इस बॉल को। अबे यार बोल, एक ही बॉल है यार, थोड़ी ज़्यादा बॉल होती तो हम एक एक करके फेंकते रहते। तो डोई डोई तू तो देखता रहेगा मैं कैसे खेलता हूँ, तू भी खेल लो उसके बाद। इसको थोड़ा सा ऊपर, ओ भाई बच गई, जरा से बच गई। डोगी बॉल उठा कर दे। अरे यार ये तो कुछ भी नहीं कर रहा डोगी, थोड़ा एक्टिवेट नहीं है ये डोगी ना, थोड़ी एक्टिव नहीं है ये डोगी। अरे यार ये बॉल मुझसे बार बार से छूट गया, इस बार मैं फुल ट्राई करूँगा कि ये बॉल इस बास्केट में गिर जाए। भाई प्रॉपर सेट करके गिर गई भाई। ओ नाइस, अपने को 3 पॉइंट मिल गए। और डॉगी तुझे शर्म नहीं आती, खड़ा हुआ ये नहीं कि बॉल लिया है हमारे पास, हमें बार बार जाना पड़ रहा है इस बॉल को उठाने के लिए। तो अब दोबारा से ट्राई करेंगे भाई, हमने 3 पॉइंट तो ले लिए बट। ओ हो भाई, क्या निशाना है अपना। तो यार हम तो एक ही बार में सीख गए, बस अपने को ज़्यादा टाइम नहीं लगा सीखने के लिए। अब दोबारा ट्राई करते हैं, अपने को पॉइंट ही पॉइंट मिलते जा रहे हैं। और अपना ये ना 3-4 मिनट का मैच है। अरे यार ये बॉल देखो पार चली गई। अरे भाई फोन लेकर आए, मैं क्या करूँ। छोड़ो यार, यहाँ पर ना एक दूसरा गेम भी है, तो हम वो खेलने चलते हैं। वो गेम भी मस्त है, उसमें ना हम पैसे भी जीत सकते हैं। हमें पहले पैसे लगाने पड़ेंगे, और उस गेम में जीते तो हमें उसका डबल मिलेगा। तो अपने को तो वही गेम बढ़िया लग रही है, वो सामने की तरफ है। और गेम का नाम क्या है? ओके, तो हम वही चल के बताऊंगा मैं, मुझे भी ध्यान नहीं। ऑल राइट गाइस, उस गेम का नाम है थिम्बल गेम। तो देखते हैं कि ये गेम कैसी है, मुझे थोड़ा थोड़ा। ओके, तो मैं समझ गया गाइस, इस 3 गिलास के अंदर ना कोई चीज़ होगी जो कि हमें गैस करनी है। अगर हम उसे गैस कर लेते हैं कि कौन से गिलास में वो चीज़ है, तो अपने को पैसा मिलेगा। लेकिन उससे पहले अपने को भी यहाँ पे ना थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा। तो अभी मैं लगाने वाला हूँ 100 रुपीज़। तो इसी से स्टार्ट करते हैं हम, अभी तो हम 100 रुपीज़ की बैट लगाएंगे। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं इसे। और ये जो सामने बंदा बैठा है ना, यही हमें इस गेम को खिलाएगा। चल भाई शुरू हो जा। इसके अंदर ना वो डाइस रखे हैं, और अपने को ना बहुत ही ध्यान से इसे देखना कि कौन से गिलास के अंदर है। अरे मैं फुल नज़र रखे हुआ हूँ, बट मेरा दिमाग चकरा गया। तो अपने को ये 3 गिलास में से ना एक चूज करना है। कौन सा करूँ यार, 1, 2, 3। मुझे लग रहा है ना तीसरे नंबर वाले में। अबे नहीं, गलत हो गया, दूसरे में था। तो चलो भाई गेम तो अच्छी है, दोबारा ट्राई करके देखते हैं एक बार।
और इस बार मैं इस बैट को डबल करूंगा, यानी कि 200 रूबी। और भाई फुल ध्यान रखना इस बार, तो यार ये दो ओके ठीक है, नज़र रखनी है गाइस, नज़रें हटी दुर्घटना घटी। और गाइस अब हमें चूज करने हैं इन कपों में से एक कप कि किसके अंदर है वो, तो वो है दूसरे नंबर कप में। ओ भाई एकदम सही सही सही, मज़ा आ गया यार, मज़ेदार गेम है गाइस, दोबारा खेलते हैं इसको। और मैं एकदम श्योर हूँ कि ये फर्स्ट नंबर कप के अंदर ही है। तो भाई अब तो नजरें फुल मेरी गिलास के ऊपर ही है, चलो फिर से दोबारा ट्राई करते हैं। दोबारा से अपने को गैस करना है और ये है तीसरे नंबर कप के अंदर। देख रहे हो भाई हम तो इस गेम के अंदर एकदम प्रो हो चुके हैं। और अब मैं इस बैट को बढ़ाने वाला हूँ, हम यहाँ पर मैक्सिमम 1000 रूबी की बैट खेल सकते हैं। मैं 1000 रूबी की बैट खेलूँगा भाई, जीतना है मुझे, ये अपना लास्ट मैच है, इसके बाद अपने को जाना है एलेक्सी के पास। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये बैट भी हम जीत जाए। तो गाइस अब अपने को गैस करना है कप, मुझे तो लग रहा है फर्स्ट नंबर। ओ बिल्कुल सही भाई, जीत गए, डबल हो गए अपने पैसे। चलो भाई अब यहाँ से निकलते हैं, इन सभी पैसों को मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। मज़ा आ गया भाई, बिना कुछ करे आज अपनी सही दिहाड़ी बन गई। और अब चलते हैं एलेक्सी के पास, उसे ये बात बताएंगे और पार्टी करेंगे उसके साथ मज़े से। और वो जोगी कहाँ गया भाई, तो उसकी आवाज़ आ रही थी, चला गया क्या कहीं? खैर छोड़ो, डोगी को बैठता हूँ मैं अपनी गाड़ी के अंदर और निकलते हैं यहाँ से। अगली बार मैं आऊँगा ना उस डोगी के लिए भाई हड्डी या कोई चिकन का पीस लेकर आऊँगा, क्योंकि जब भी हम आते हैं ना वो हमारे पीछे पड़ जाता है। तो हमारा कम से कम इसका जैसे पालती है वो डोगी। वैसे हाँ मैं जा रहा था एलेक्सी के अपार्टमेंट, अपने को ना एलेक्सी अपार्टमेंट में ही मिलेगा, उसने मुझे वहीं पर बुलाया है। हो सकता है एलेक्सी को कोई नया केस मिला हो, इसीलिए वो हमको बुला रहा है। चलो भाई अपने को एक नया केस मिलेगा, थोड़ा अपना टाइम पास होगा, हम भी अब क्रिमिनल को पकड़ेंगे मज़े से, मज़ा आता यार क्रिमिनल को पकड़ने में। तो बस गाइस हम एलेक्सी के अपार्टमेंट पहुंचने ही वाले हैं, अपने को यहाँ से लेफ्ट जाना है और यहीं पर है एलेक्सी का अपार्टमेंट। ये मैं क्या देख रहा हूँ, एलेक्सी तो नीचे खड़ा हुआ है और ये बॉक्स में क्या है भाई, ये कहीं जा तो नहीं रहा। चलो इससे बात करते हैं कि आखिर ये सामान में क्या है। तो मेरी एलेक्सी से बात हो चुकी है, मैंने इससे पूछा इस बॉक्स के अंदर क्या है, इसने बताया जो हमने किलर वाला केस सॉल्व करा था ना, तो उस केस के रिलेटेड ही इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि इसे पुलिस स्टेशन में सबमिट कराने हैं। तो वो जितने भी बॉक्स थे हमने अपनी गाड़ी के अंदर रख लिए और अब चलते हैं सीधा पुलिस स्टेशन। चलो भाई हम पुलिस स्टेशन पहुंचने वाले हैं, वैसे एलेक्सी के अपार्टमेंट से ना पुलिस स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है, तो बस अपनी गाड़ी को हमने ये पुलिस स्टेशन के आगे ही रोकना है। चलो भाई एलेक्सी को अकेले सामान ले जाएगा या मैं भी तेरे साथ चलूँ? तो भाई अभी बहुत देर तक मेरी एलेक्सी से बात हुई और उसने मुझे बताया कि उसका ना प्रमोशन हो गया है और वो इस डिपार्टमेंट का हेड बन गया है। और उसने कहा है अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हो। और उसने एक बात और कही, ये जो वैसली का कार्गो लूट लिया गया था ना जिसके अंदर पैसे थे किसी गैंगस्टर के, उस गैंगस्टर का नाम ऋषि है और वो बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है इस एरिए का, मतलब इस सिटी का, और वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन एलेक्सी हमारी थोड़ी बहुत ही मदद कर सकता है क्योंकि अब उसका डिपार्टमेंट चेंज हो चुका है, उसका ये लास्ट केस था और वो अब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन गया, तो वो
यहीं पर रहेगा, कहीं बाहर वार नहीं जाएगा, यहीं से सारे केसों को ऑपरेट करेगा। और हाँ, एलेक्सी ने मुझसे कहा कि तुम्हें कल से आने की जरूरत नहीं है, तुम अब आराम से अपना काम दे सकते हो, मैंने तुम्हें बहुत परेशान करा। अब एलेक्सी का ड्राइवर ना ठीक हो चुका है और वो कल से काम पर आ जाएगा। तो ठीक है भाई, अब हम अपना काम देखेंगे। दोबारा से मैं टैक्सी का काम स्टार्ट कर दूंगा, जो कि थोड़े टाइम के लिए मैंने बंद कर दिया था। अपने पास टैक्सी का लाइसेंस भी है और हम बीच बीच में ईगो का काम भी करते रहेंगे। बट यार, ईगो के काम में ना टेंशन बहुत है भाई। अभी पिछली बार ही देखो, गैंगस्टर ने हमारे कार्गो के ऊपर अटैक कर दिया था और एक बंदा तो भाई अपना कार्गो लेकर ही जा रहा था, वो तो सही टाइम पर हम पहुंच गए थे। तो चलो, जैसा भी है रिस्की काम है, पर काम है करते रहेंगे। तो बस गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पर एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Oh.